मैं हूँ कविता और आपके मेरे इस कविता गुप्ता कुकिंग ट्विस्ट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको गुलाब जामुन घर पे कैसे बनाना है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी गुलाब जामुन से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके भी गुलाब जामुन मार्केट जैसे बहुत अच्छे बने, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। शुरू करते हैं। तो मैंने इस वीडियो के अंदर मार्केट में जो पैकेट मिलता है गुलाब जामुन का, उसका पाउडर यूज किया है। उस पाउडर को आप गूंथने के लिए पानी का भी यूज कर सकते हैं, दूध का भी यूज कर सकते हैं। दूध अगर आप यूज करेंगे तो गुलाब जामुन थोड़े अंदर से ज्यादा सॉफ्ट बनते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें पानी या फिर दूध जिससे भी आप गूंथें, क्वांटिटी बहुत कम यूज होती है, क्योंकि वो पाउडर बहुत ही स्मूथ होता है। तो आप ध्यान दें कि थोड़ा थोड़ा मतलब पानी या फिर दूध ऐड करके उस आटे को गूंथें। इंपॉर्टेंट बात कि
कि जब आप आटा गूंथ लें तो गुलाब जामुन का साइज क्या होना चाहिए। तो गुलाब जामुन का साइज आप जो भी बनाएंगे उसका लास्ट में रिजल्ट आपको उसका 3 गुना मिलेगा। तो इसीलिए गुलाब जामुन का साइज हो सके तो जो सोयाबीन, जो नॉर्मल सोयाबीन होता है उसका जो साइज होता है इतना वाला, तो इतने इतने साइज के आप गुलाब जामुन बनाइए। जब वो आप फ्राई करेंगे तो वो डबल होंगे, फिर आप उसको चाशनी में डालेंगे तो ट्रिपल साइज के होंगे। तो इतने बड़े बड़े गुलाब जामुन बन के रेडी हो जाएंगे। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि वो लोग स्टार्टिंग में गुलाब जामुन का साइज देने के लिए इतने बड़े बड़े लोई बना लेते हैं और फिर बाद में वो ट्रिपल हो के बहुत बड़ा साइज बन जाता है। फिर अच्छे कि जब आप गुलाब जामुन को तल लें तो उसको गरम चाशनी में डालें। गरम चाशनी में डालने से गुलाब जामुन में जल्दी से चाशनी मिल जाते हैं। कि चाशनी बनाने का रेशियो क्या होना चाहिए, तो जितना चीनी ले उतना ही पानी आपको लेना है। इस पैकेट पाउडर का रेशियो है वो था 175 ग्राम का ये पैकेट था, तो इसमें 800 ग्राम मैंने चीनी डाला है और 800 ml मैंने पानी का यूज़ किया है। तो इसी रेशियो को ध्यान में रखते हुए आप गुलाब जामुन बनाइए और जो भी मैंने टिप्स बताया उसको भी ज़रूर फॉलो करिए, आपके भी गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनेंगे। तो फिर मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने टिप्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।